मथुरा में कौन बनेगा प्रधानमंत्री के मंच पर मौजूद नेताओं से जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ किशन चौधरी जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से ठाकुर किशोर सिंह जी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं, भगवान सिंह वर्मा हैं, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं कुंवर नरेंद्र सिंह आरएलडी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सर एक बार जोरदार तालियां अपने नेताओं के लिए। शुरुआत करते हैं हम बीजेपी के नेता से, आपसे जानना चाहते हैं सर, मतलब अयोध्या झांकी, काशी मथुरा बाकी। बस मथुरा बाकी है और मथुरा पे मंथन चल रहा है बहुत जल्दी से। हमारे जैसे रामलला की स्थापना हुई है मैम, उसी हिसाब से हमारे कृष्ण लला की स्थापना होने वाली है। समाजवादी पार्टी को दिक्कत तो नहीं होगी? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पूरे ईश्वरवादी हैं और धर्म में पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन उस अयोध्या तो गए नहीं, उसको राज नहीं जाएंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता स्वीकार किया इन लोगों ने या नहीं किया? इन्होंने नहीं किया, इनके दिल में था लेकिन मन में नहीं था। अंदर से ये भी राम को मानते हैं। दिल में था मन में नहीं था, मतलब ऊपर नेतागिरी के चक्कर में मन में नहीं था, मन से नहीं गए, दिल चाहता था जाना, अब जाएंगे जरूर, ऐसा नहीं। धर्म को राजनीति में हमारे नेता नहीं शामिल करना चाहते हैं। अखिलेश जी जाएंगे दर्शन करने, और ये जो इवेंट था ये भाजपा प्रायोजित जो लोकसभा का चुनाव है उसको देख के जो इतना इवेंट किया है, हम उस इवेंट में शामिल नहीं होंगे और हमारे अखिलेश जी पूरे परिवार सहित दर्शन करने। मतलब मंदिर क्या बीजेपी के लिए चुनावी कार्यक्रम है? नहीं, मैं मंदिर का चुनाव से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इनको पता है कि पूरा देश पूरा सनातन राममय हो चुका है, इसलिए अब तो राम राज की जय होनी है। अब ये जाए न जाए उससे कोई अंतर पड़ने वाला? माहौल राममय हो चुका है तो फिर 24 में मतलब बीजेपी की राह आसान? मैं आपको बता दूं, माननीय हमारे राजीव गांधी जी ने अयोध्या का ताला खुलवाया था, पूजा कराई थी, और राम तो हर समय मौजूद हैं, आज भी हैं, पहले भी हैं और रहेंगे। राम किसी की बापौती नहीं है, ये सर आप लोगों की केंद्र में सरकार थी तब सुप्रीम कोर्ट में आप लोग हलफनामे देते थे, कहते थे राम तो काल्पनिक हैं। उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव के बाद सुनवाई करो राम मंदिर के मामले की, ये आपकी तरफ से जो वकील पक्ष रखते थे वो कहा करते थे? मैं आपको बता दूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, पूर्व मंत्री जी और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी और अयोध्या दर्शन करने के लिए गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दर्शन करने से बार बार रोका और हमारे कांग्रेस से झंडा फाड़े। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि कोई भी अयोध्या जाए और दर्शन कराए, लेकिन हमें उनकी बातों को नहीं मानेंगे। तो मतलब बीजेपी जो है वो मंदिर पर अपनी बपौती दिखा रही है? नहीं, मंदिर की बपौती, मंदिर पे बीजेपी की बपौती नहीं है, मंदिर पे पूरे देश की बपौती। तो यही आरोप लगा रहे हैं? उनकी सोच है, मैं कह रहा हूँ, दिल में राम है, मन में कुछ और है। कह रहे हमारे नेता गए थे उनको जाने नहीं दे रहे थे। मैं मन भारी है दिल पर, ये चाहते ये भी हैं लेकिन मन के बारे मजबूर हैं बेचारे। अब ये चाहते हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए इसलिए बनवाया, इन लोगों की मदद रही है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की मदद रही है? अंदर दिल से रही है। कांग्रेस की मदद रही है दिल से, थैंक यू बोलेंगे। देखिए मंच पर खड़े होकर बीजेपी का कोई नेता कह रहा है कि कांग्रेस ने मदद की है, कभी ऐसा मैंने पहले सुना नहीं है कि कोई बीजेपी के नेता कांग्रेस को थैंक यू बोल रहा हो। सनातन धर्म तो मैं भी मानता हूँ, मैं भी राम भक्त हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम और राम और जाओ कृष्ण जन्मभूमि इस तरह की बातों को अलावा छोड़े, अयोध्या की बात है सबके लिए है, लेकिन मैं ये पूछ रहा था बेरोजगारी कब दूर हो रही है, महंगाई कब हो रही है, महिलाओं पर तो अत्याचार हो रहा है, आपने देखो बनारस में इतने सारे मुद्दे आपने गिना दिए, मैं जवाब लूंगी, आप जवाब तैयार रखिएगा, लेकिन पहले जरा आरएलडी के नेता के पास आते हैं। सर अभी तक तो आप कहाँ हैं सर, आप किधर हैं, इधर हैं उधर हैं, एनडीए में हैं इंडिया में हैं, कहाँ हैं? भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्वित रूप विचारी। अब मैं लंबा करूंगा तो समय लगेगा। देखिए किधर हैं? भगवान सबके घट में हैं और घट घट में ईश्वर है। हम भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में हैं, यही हमारा जन्म हुआ, यहीं अपनी जीवन लीला व्यतीत कर रहे हैं, हो सकता है यहीं पंचतत्व में विलीन हो, तो इसलिए जहां थे हम वहीं हैं। आरएलडी अभी तक तो समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में थी, अभी सस्पेंस इतना बढ़ गया है, बीजेपी के साथ जा रहे हैं क्या? इंडिया ने थोड़ा सा क्रिएट किया है, अभी तो न तो ऑफिशियल क्लियर कीजिए ना। नहीं नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, अभी तक न तो ऑफिशियली जयंत जी का कोई बयान आया है, न अखिलेश जी का आया है कि हमारा टूट गया, तो अभी तो जहाँ थे हम वहाँ हैं। तो अभी क्या करेंगे, मतलब अभी बीजेपी पर हमला करेंगे या बीजेपी पर सॉफ्ट हो गए हैं आप? बीजेपी की जो बात इन्होंने कही हमारे साथी कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने वो बिल्कुल सही है, हम लोग मुद्दों से भटक रहे हैं, भगवान राम कृष्ण हमारे घट घट पे हैं, वहाँ हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बीजेपी सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रही है? नहीं नहीं, कोई भी कहे कि वहाँ मंदिर जाओ, मैं तो तब हुआ है जब कैनवस में थे, जब ताले बंद थे तब हो आया, उसके बाद ताले खुल गए तब हो आया। स्टार्ट में थे आप कह रहे हैं, आप तब भी हो
है, बीजेपी सर्टिफिकेट बांटने का काम क्यों कर रही है? मतलब वो कह रहे हैं अभी तक तो देखिए आपके साथ वो आए नहीं है औपचारिक तौर पर, तो अभी वो अटैक कर रहे हैं आप पर। मैडम ये कभी आएंगे भी नहीं, इनका बस चलता तो आज भी रामलला अपने घर में नहीं आते। आप ये कह रहे हैं आरएलडी आपके साथ नहीं आएगी, आप मोहर लगा रहे हैं? ये लोग पता नहीं चलता इनके बारे में, ये नहीं पता आरएलडी कहाँ जाएगी, स्वयं आरएलडी को नहीं पता है। आपको चाहिए आरएलडी का साथ या नहीं? नहीं, ये तो आरएलडी डिसाइड करेगी, आरएलडी को अच्छा लगेगा तो हमारे साथ आएंगे। हमारी ऐसी बात नहीं कि आरएलडी के बिना हमारा काम खराब हो रहा है, कि हमें कहीं दिक्कत आ रही है किसी सीट। काम खराब ही नहीं हो रहा है, इनको तो आपकी जरूरत ही नहीं है। वो कह रहे हैं अगर आएगी तो आरएलडी अपनी जरूरत के लिए हमारे पास आएगी। 28 दल विपक्ष के इंडिया के थे, इनने 32 दल इकट्ठे कर लिए थे। अगर जरूरत नहीं थी तो जैसे एक जमाने में कांग्रेस अकेले लड़ा करती थी, तो ऐसे ही बीजेपी को लड़ना चाहिए एक छोटे छोटे दल। अब उद्धव जी पे अटैक हो रहा है तो बीजेपी हिम्मत दिखाए भाई, अकेले लड़े। मतलब वो कांग्रेस का जब वर्चस्व का जमाना था, कांग्रेस तो अकेले लड़ती थी, आप एक के बाद एक दलों को इकट्ठा कर। मैडम बीजेपी अपने आप में अकेले लड़ने में सक्षम है और बीजेपी अकेले लड़ने के लिए तैयार है। हाँ, पहले ये नारा देते थे आप लोग एक शेर सब पर भारी, और अब सबको अपने साथ ले रहे हैं। वहाँ नीतीश कुमार भी साथ आ गए। जो लोग आ रहे हैं उन सबका स्वागत है और जो नहीं आ रहे हैं उनका भी स्वागत है। बीजेपी अपने आप में सक्षम है लड़ने के लिए, बीजेपी सक्षम है, आप ही लोगों को साथी चाहिए। देखिए समाजवादी पार्टी जमीन की पार्टी है और भाजपा में जब से सरकार बनी है तब से लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी। सर जमीन की पार्टी जमीन पर आ गई है ना, जमीन की पार्टी को खड़ा होने के लिए साथी चाहिए। आज भी हम सबसे बड़े दल हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के बाद। हाँ जी, बीजेपी के बाद। और ये 2024 के बाद लोकसभा का चुनाव नहीं होगा। मोदी जी क्या बात कर रहे हो, 2024 के बाद लोकसभा का चुनाव नहीं होगा? जी मोदी जी कम्युनिस्ट पार्टी सी जिनपिंग बनना चाह रहे हैं, पूरे देश में आपातकाल है, राजनीतिक आपातकाल लगा हुआ है। मथुरावासियों, आपके बीच में समाजवादी पार्टी के नेता ने इतनी बड़ी बात कह दी, आपको क्या लग रहा है 24 के बाद अगर बीजेपी जीतती है चुनाव नहीं होगा? समाजवादी पार्टी ये कह रही है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, और मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से और नेताओं से ये पूछ रहा हूँ, राम को तुम लाएगा, राम तुम्हें लेके आई। अच्छा, आप समर्थक हैं इंडिया गठबंधन के, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और बीजेपी वालों पे तमाचा मारेंगे, ये झूठे लोग हैं। आरोप तो ये लग रहा है कि वो जहाँ जहाँ अपनी इंडिया यात्रा लेकर जा रहे हैं वहाँ गठबंधन के साथ ही साथ छोड़ भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी फिक्स होकर के उदयी होके आई है ना, और लोगों के तो आपसे सवाल नहीं, सवाल पूछ रही तो हम ये कह रहे हैं ना, हम ये पूछना चाह रहे हैं किस आधार पर बनेंगे राहुल गांधी पीएम, ये तो बता दो मुझे। झूठ जो तुम बीजेपी वाले झूठ के बाप है, झूठ बोलते हैं, और ये सब हिंदू मुस्लिम कर बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर। मैं आप हिंदू मुस्लिम वाला सवाल हिंदू मुस्लिम करती है क्या बीजेपी? जल्दी से मुझे रास्ता दीजिए ऊपर जाने का। हिंदू मुस्लिम करती है क्या बीजेपी? मैडम हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं होता, हमारे लिए सभी भारतीय हैं और सभी का हम सम्मान करते हैं, सभी की इज्जत करते हैं। हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता और हम सबको लेकर चल रहे हैं। मंदिर बंदर क्यों कर रहे हैं? राम राज्य मंदिर बंदर क्यों कर रहे? मंदिर बंदर नहीं कर रहे हैं, राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, अब राम राज्य आने वाला है। और सवाल है नीचे इधर कोने में। हाँ जी, किससे सवाल है आपका? 10 साल हेमामाली जी को काम बताएं मथुरा में। आप यही के हैं? कोई काम नहीं हुआ, बताओ काम। आप मुझे बताओ क्या काम अधूरा रह गया, फिर मैं सवाल का जवाब। काम ही नहीं हुआ जो अधूरा रहेगा। ओहो, कोई काम ही नहीं हुआ। और सवाल, जल्दी खड़े होकर। आ रही हूँ सर। मैं हिंदू मुस्लिम वाले शब्द पे कह रहा था, अभी आपने कहा तो भारतीय जनता पार्टी के पास बस 6 बातें हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब से गवर्नमेंट बनी है 2014 में, सेंट्रल में गवर्नमेंट बनी है, तो सबसे पहले हमारा ये सवाल है कि आज पूरे भारत के अंदर करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, भारतीय जनता पार्टी रोजगार को लेकर सवाल है, रोजगार को लेकर सवाल है। यहाँ तो बड़े सवाल आ रहे हैं आपके लिए। एक ने कह दिया कि साहब यादव कोई काम ही नहीं हुआ मथुरा में, पहले इसका जवाब दीजिए। मथुरा में कोई काम नहीं हुआ? मथुरा में चारों ओर विकास हुआ है। मथुरा में योगी आदित्यनाथ जी का इतना बड़ा आशीर्वाद रहा है कि जितने हमारे तीर्थ थे सब राज्य के घोषित कर दिए गए, चारों तरफ स्टेट हाईवे बना दिए गए, और ब्रज 84 कोस के लिए 8,500। वैसे ये छुट्टा जानवर वाली तो समस्या अभी हमें यहाँ पर इतनी आ गई, ये हमने यहाँ सेट बनाया, लाइटें दिखाओ हमारी, मतलब हमारी लाइटें 2 बार टूटने से बची है, नुकसान उठाना पड़ जाता हम लोग। यहाँ पर थोड़ी सी बंदरों की समस्या, उसके लिए सफारी बनाई जा रही है, मंकी सफारी, और यहाँ पर मीठे पानी की व्यवस्था कर दी गई है, सभी ब्रजवासी पूर्णतः तृप्त हैं। पहले काम पर बात कर ले, वो हिंदू मुस्लिम वाला सवाल मैं आपका लूंगी, बेरोजगारी वाला। इतने काम हुए हैं? सारे दावे खोखले हैं। माननीय अखिलेश जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो जितने 4 लेन बने हैं
जे सब अखिलेश जी का दिया हुआ काम है उन्हीं कामों को इन्होंने पट्टिका लगाई। अखिलेश के काम पर आप लोग अपना पट्टा लगा रहे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अखिलेश जी के जमाने में तो कोई फोर लेन नहीं था, सारे अब योगी आदित्यनाथ जी ने करवाए हैं, सभी अभी बने हैं और आप कहीं पहुंच जाओ चारों तरफ ये ब्रजवासी बैठे हैं, ये बता देंगे ऐसा कोई गांव नहीं है जहां रास्ता ना हो। ब्रजवासियों को दिखाइए, जरा दिखाइए ब्रजवासियों, आपके पास आ रही हूं। सच बोल रहे हैं? ये तो कांग्रेस का इन्होंने पट्टा लगाया हुआ है। हाँ बाबा जी क्या है? मथुरा में MP हमारे दो बार हो चुकी है। गन्ना जडेजा योर रिपोर्ट है पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन प्रदूषण की रिपोर्ट। हाँ रिपोर्ट है। दूसरा हमारी संतान है या किसी की, यमुना के बाद यमुना में एक कछुआ मछली एक भी नहीं है, सारे मारे गए। यमुना जी गंदी हैं, यमुना जी की सफाई नहीं हुई है, दो बार से बीजेपी जीत रही है मथुरा में, वो दिखा रहे हैं कितना प्रदूषण है, बड़े दुखी है वो। नहीं मैम, यमुना जी के बारे में जितने नाले चलते थे सारे नाले बंद कर दिए गए हैं और नालों का प्रेरक नाला बना करके पानी का ट्रीटमेंट करके यमुना जी में डाला जा रहा है। इतना काम हो रहा है वर्मा जी? काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मोदी जी आजकल टीवी में बहुत रो रहे हैं, बनारस में IIT छात्रा के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बलात्कार किया उस पर कब रोएंगे, बेरोजगारी है देश में उस पर कब रोएंगे, महिला पर जो अत्याचार रह रहे हैं उस पर कब रोएंगे, मणिपुर में महिलाओं पर सामूहिक रूप से बलात्कार हुआ है, मैं मोदी से पूछ रहा हूँ उस पर कब रोएंगे और कब मणिपुर जाएंगे। ये केवल कथनीकरणीय अंतर है और देश के लिए ये अभिशाप है। किशन जी जवाब तैयार रखेगा पहले। हाँ जी आप भी बताओ, जितने कामों का वो दावा कर रहे हैं हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हकीकत क्या? नहीं हो रहे, हकीकत ये है, मैं उनका एडमायरर हूँ, हेमा जी बहुत अच्छी सेलिब्रिटी हैं, नृत्यांगना हैं, लेकिन एज ए जनप्रतिनिधि शी इज ए फेलियर। उन्होंने यहाँ कुछ नहीं किया। एक रावल जो राधा रानी के का गांव है जहाँ वो ज्यादा पैदा हुई, वहाँ की आप दुर्दशा, आपका अगर टाइम मिले तो अभी चली जाइएगा देख आइएगा। अच्छा। वहाँ एक RO प्लांट लगा और एक पंचायत घर बना है, पंचायत घर में तो भूसा भरा हुआ है किसानों का, RO प्लांट बंद पड़ा है। मैं भी राधाष्टमी पे गया था दर्शन करने। बताइए अब जवाब दीजिए, आप इतने सारे आरोप लग रहे हैं और आप लोग दावा कर रहे हैं यहाँ पर, वो तो विकास की पोल खोल रहे हैं। नहीं नरेंद्र, वैसे मैं बता दूं दर्शकों को कि इस वक्त हम जहाँ खड़े हुए हैं मथुरा में, इस जगह का नाम विकास मार्केट है, लेकिन विकास के बीजेपी के जो दावे हैं उसके बाकी आपके विरोधी पोल खोल रहे हैं। मैडम ये हमारे नरेंद्र जी पता नहीं कब गए हैं, अब आरोप काम कर रहा है प्रॉपर, और राधाष्टमी पर गए अभी कह रहे हैं। नहीं आरोप वर्तमान में काम कर रहा है, मैं भी परसों ही आया हूँ वहाँ से, और चारों तरफ विकास में कहीं किसी कोई ब्रजवासी को दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं पूरे देहात में घूमता हूं, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष होने नाते मुझे गांव के बारे में एक एक के बारे में पता है, पूरे जनपद में ऐसा कोई गांव नहीं जिसके लिए कनेक्टिविटी एक दूसरे से न हो, और चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। चारों तरफ विकास की गंगा बहने का दावा अब तो मुझे आना पड़ेगा मथुरा वासियों के बीच, कुछ कहना चाहते हैं तो हाथ उठाइए। हाँ जी क्या कहना चाहते हैं? जी विकास की गंगा बिल्कुल बह रही है, सड़कें देख लीजिए आप, और बात रही यमुना जी की तो उसमें काम चल रहा है। सड़कें कैसी हैं? सड़कें बहुत मस्त है, किसने जब बिल्कुल ये सारे विरोधी बैठे हुए हैं, ये सारे आप समर्थक हैं? आप समर्थक? नहीं नहीं, नहीं। मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, योगी जी ने इतना काम किया है यहाँ पे। पहले क्या हाल था? पहले यहाँ पे इतना डर का माहौल था कि यहाँ पे हम लोग 8 बजे के बाद निकल नहीं सकते। वो कह रहे हैं पहले यहाँ पर डर का माहौल था, 8 बजे के बाद कोई निकल नहीं पाता था। मैडम ये बताएं कि यमुना जी में पास रहते हैं 24 जी महाराज है कहाँ, यमुना जी में कितने नाले बंद हो चुके हैं आज तक, बताओगे वो आपसे सवाल? नहीं नहीं, यमुना जी की मैं इस चीज से एग्री करता हूँ बिल्कुल, यमुना जी में सफाई नहीं हुई है। यमुना जी में जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस तरीके से अभी भी काम नहीं हो पा। अपना नाम बताओ मुझे। अंकित चतुर्वेदी। ये अंकित चतुर्वेदी हैं, योगी मोदी जी के समर्थक हैं, ये कांग्रेस के समर्थक नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि यमुना जी में जितना काम होना चाहिए था नहीं हुआ है। अरे ये देखिए, ये आपके समर्थक हैं और ये आप ही को घेर रहे हैं, मतलब वो बीजेपी के सपोर्टर हैं और फिर भी वो कह रहे हैं कि यमुना जी की सफाई का कोई काम नहीं हुआ, सारे गंदे नाले यमुना जी में। नहीं मैडम, यमुना जी के बगल में प्रॉपर नाला चल रहा है और प्रॉपर नाला चलने के बाद में बहुत बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है पानी का और वो कंटिन्यूस चल रहा है। तो काम क्यों नहीं हो पा रहा सर, सफाई क्यों नहीं हो पा रही? वो वहाँ पर रिपोर्ट दिखा रहे थे मुझे गंदे पानी वाली। जितने नाले थे वो सारे नाले, मतलब यमुना जी में डायरेक्ट कोई नहीं जा रहा, सारे नाले बंद कर दिए गए हैं, एक भी नाला ऐसा नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यमुना जी में सीधा जा रहा हो।
सवाल किससे है और क्या है? जी बीजेपी के नेताओं से है सवाल, और ये भैया खड़े हुए थे चतुर्वेदी जी, ये कह रहे रोड बहुत अच्छे हैं, अगर एक घंटे बारिश हो जाए ना तो यहाँ से सबको तैर कर जाना पड़ेगा। क्या बात कर रही हो, सही में पूरा मथुरा डूब जाता है, मेरे बच्चे तो स्कूल नहीं जा पाते हैं, बहुत परेशानी होती है इनकी, पता नहीं रेनी डे की छुट्टी, बारिश हो जाए तो रेनी डे की छुट्टी, बिल्कुल पूरा मथुरा डूब जाता है, कहीं सारे पुल डूबे रहते हैं, ऐसी हाल है। यस यस यही हाल है, यही हाल है, हाल है, पानी भर जाता है, मतलब हमें निकासी नहीं है, मतलब पानी की ढंग से पानी कब निकलेगा, नए बस स्टैंड का पुल का, भूतेसर के पुल का पानी। मैं आदरणीय किशन जी से पहुंचना चाहता हूं, बीजेपी के नेता, अगर मथुरा में इतना विकास हुआ है तो आप विकास के मुद्दे पर लड़िए, और मैं अपने जो बीजेपी के साथी है उनसे ये कहना चाहूंगा, अगर आप बीजेपी का चश्मा उतार देंगे तो आप आज ही दूसरे दल को ज्वाइन कर लेंगे। अरे ये बड़ा आरोप लगा दिया आपने किशन जी, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि साहब ये जो हिंदू मुस्लिम, ये जो मंदिर मस्जिद, ये जो अयोध्या झांकी काशी मथुरा बाकी, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि विकास का कोई काम ही नहीं किया है। ऐसा है कि पहले नगर पालिका मथुरा था और ये नगर पालिका को महानगर बनाया गया, ये अब नगर निगम बन गया है, और नगर निगम बनने के बाद में पूरे जिले की DPR बना दी गई है और महानगर की DPR बना दी गई है, ऐसा कोई भी पुल नहीं छोड़ा है जहां पानी की व्यवस्था रहे। सब 10 साल हो गए केंद्र में आप लोगों को, 17 से उत्तर प्रदेश में आप हो, अभी आप बता रहे हो मुझे योजनाएं बनाई जा रही हैं, और वो भी तब जब यहां के लोग आपको आईना दिखा रहे हैं, उससे पहले तो आप बता रहे थे किस तरीके से चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है, और ये लोग बता रहे हैं सड़कें टूटी हुई हैं, एक बारिश हो जाए यहाँ ऐसे ही नदियां बहने लगती हैं। नहीं, सड़क कोई टूटी हुई नहीं है, सड़क की बात गलत कह रहे हैं, पानी की बात है, क्यों पहले नगर पंचायत थी और नगर पालिका थी, नगर पालिका के बाद में अब ये नगर निगम बना है, सारी DPR बना दी गई है नगर निगम के लिए, और कहीं पे गांव जोड़े हैं वहाँ भी विकास चल रहा है, विकास चल रहा है, वो कह रहे हैं विकास चल रहा है, सब बना दिया गया मामला। विकास केवल एक बात का हुआ है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, जो स्कूटर में चलते हैं वो फौजों में चल रहे हैं, जो झोंपड़ियों में रहते थे वो बंगलों में रह रहे हैं, मतलब भ्रष्टाचार कर लिया इन लोगों ने, ये आरोप लगा रहे हो आप, भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, इस देश में विकास हुआ है और जनता भूखी मर रही है। ये मोदी योगी जी को पता चलेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अभी अगर मैं जनता के बीच जाऊंगी और वो यहाँ पर भ्रष्टाचार की पोल खोलेगी और ये शो देखेंगे मोदी जी और योगी जी, तो आप लोगों के लिए जो यहाँ स्थानीय बीजेपी के नेता, उनकी मुश्किल होने वाली है सर। इतने भ्रष्टाचारी थे वो या तो देश छोड़ चुके, प्रदेश तो भाजी गए, देश के अंदर कोई भ्रष्टाचारी बचा नहीं है। वर्मा जी झूठे आरोप लगा रहे हैं आप, भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में चले गए आप, इसलिए उनका कोई भी खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों पर ED CBI सभी तरह से कार्रवाई कर रही है, भारतीय जनता की पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का मंत्री के पास क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? कुंवर साहब यहाँ पे हो क्या रहा है, भ्रष्टाचार भी हो रहा है क्या? देखिए भ्रष्टाचार तो पहले से बढ़ा है, बढ़ गया है, क्या बात कर रहे हो आप, बीजेपी तो दावा करती है जीरो करप्शन, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, तहसीलों में, थानों में, चौकियों में जो काम 500 में होता था वो 5000 में हो रहा है, जो 5000 में होता था वो 50000 में हो रहा है। ये कहाँ के रेट बता रहे हैं, ये कहाँ के रेट थानों के बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया आपको, जल्दी बताइए इधर कैमरे पर बताइए। बता रहा हूँ जो काम गरीब आदमी 500,000 रुपए में करा लेता था वो 10,000-20,000 में हो रहा है। आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है, क्या आपके साथ क्या हो गया? महंगाई का रेट वहाँ भी बढ़ गया। लो ये तो यहाँ पर भ्रष्टाचार की लिस्ट लेकर आ गए, आपकी पोल खोल रहे हैं। मैडम हम कांग्रेस का पाप धो रहे हैं, स्वयं राजीव गांधी जी ने कहा था मैं रुपया भेजता हूँ 10 रुपए 10 पैसे पहुँचते हैं, और जो कांग्रेस के जमाने में जो पापी पाप करके भागे थे विदेशों में उनको खींच के हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी लेके आ रहे हैं, और UP में करप्शन जीरो है और कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, गुंडेगर्दी सब बाहर है, या तो ऊपर पहुंच गए या जेल के अंदर या प्रदेश से बाहर, अब ये कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये जो आरोप लगा रहे हैं सब बेबुनियाद है। सर्वप्रथम तो ABP न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज आम जनता की बात नेशनल चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तक पहुंच रही है। महाराज जी काम हुआ यहाँ पर। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब जो हमारा सांसद हो वो स्थानीय हो, क्योंकि स्थानीय सांसद होगा तो उसको स्थानीय चीजों का पता चलेगा। और हेमा मालिनी जी से नाराजगी लग रही है आपकी, हेमा मालिनी जी से नाराजगी आपको भी है? नहीं, दो बार की सांसद है। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, बदलना चाहिए उनको बीजेपी को। हाँ, बदल जाए तो कोई बात नहीं है, रहे तो कोई बात नहीं है, काम तो हमारे सभी कार्यकर्ता बीजेपी के जी तोड़ मेहनत करके कर रहे हैं, लेकिन जो यमुना की बात है, यमुना आज तक प्रदूषित बनी हुई है। यमुना प्रदूषित बनी हुई है? बिल्कुल, यमुना जी पर कार्य चल रहा है, प्लांट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बन रहा है और नाले भी टैप किए, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, भारत राम कृष्ण और ऋषियों का देश है, जो सनातन संस्कृति का है
वो हमारा है, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। जो सनातन संस्कृति का सम्मान करेगा आप कह रहे हैं वो आपका है। एक मिनट, ये महाराज जी को दिखाइए और जरा इनके पांव दिखाइए, इन्होंने प्रण लिया है, क्या प्रण लिया है? चप्पल जूता उनके पैर में क्यों नहीं है? सर्दी के मौसम में यहाँ पर नंगे पैर क्यों चल कर आए महाराज जी? क्यों? देखिए, अयोध्या के बाद में हम यहाँ मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मस्जिद हटाने का केस हम लड़े, उसमें मुख्य पक्षकार हैं। तो हमने एक संकल्प लिया था कि जब तक मथुरा मंदिर से मस्जिद नहीं हटेगी, जब तक हम ना तो अपने पैरों में जूता चप्पल पहनेंगे ना ही अन्न ग्रहण करेंगे। तो ये हमारा संकल्प बहुत जल्द पूरा होने वाला है योगी मोदी। आप लोग कानूनी लड़ाई तो लड़ रहे हो, आप कुछ आप ये चाहते हैं कि राजनीतिक तौर पर भी मामला गरमाया जाए? देखिए, हमारी अपनी भगवान में आस्था है और हमारे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। न्यायालय पर भरोसा है, ठीक है। आपका क्या सवाल है किससे? मैम, विपक्ष मुद्दा विहीन है, इन पे कोई मुद्दा नहीं। पहले कहते थे तारीख नहीं बताएंगे मंदिर की, अब मंदिर भी बन गया, धारा 370 भी हट गई और यूसीसी लागू भी हो गया उत्तराखंड में। इनके पास में मुद्दे नहीं है, मुद्दा भी है, विकास तो अनवरत प्रक्रिया है, ठीक है। तो विपक्ष मुद्दों से बैरंग है, आपका आपका किससे सवाल है? मैडम, ये मथुरा नगरी भगवान श्री कृष्ण और भक्त रसखान की धरती है, ठीक है। मैं माननीय अपने आदरणीय बड़े भाई किशन सिंह चौधरी से पूछना चाहूंगा, बीजेपी के नेता से। हाँ जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में दूंगा, पहली बात। दूसरा, काला धन लेके आऊंगा देश में। और तीसरी बात, 2 करोड़ रोजगार दूंगा। तीन सवाल पूछ के जा रहा हूँ, लौट के आ रहा हूँ, भैंसगाड़ में जा रहा हूँ। ये बात सही है, तीन सवाल पूछ के जा रहा हूँ, लौट के भी आ रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, महिला का सवाल लेंगे। मथुरा नगरी जहाँ पे कहा जाता है कि राधा राधा जपो चले आएंगे बिहारी, उस राधाओं की नगरी में यहाँ इतने सारे पुरुषों के बीच में चंद महिलाएं बैठी हुई दिख रही है। तो मेरा मंच पे आसीन सभी मंत्री के आपका महिला सशक्तिकरण के लिए क्या सवाल है? महिला सशक्तिकरण को लेकर भी सवाल है, किससे सवाल है? सवाल मुझे विपक्षी पार्टियों से है। जी। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैं किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करता। सवाल पूछिए सर जल्दी। सवाल ये है कि भ्रष्टाचार कब नहीं था? मैं बचपन से भ्रष्टाचार देखता आ रहा हूँ, फर्क सिर्फ इतना है पहले भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होती थी, अब होती है। बीजेपी के राज में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, जल्दी से आगे आओ, किससे सवाल है? क्या कार्रवाई हो रही है? मैं तो भैया ने कहा है, अभी देखिए आप, खिलौने बच्चों के खिलौने खरीदे गए हैं कैमरे पर, हाँ। खिलौने खरीदे गए हैं बच्चों के, 8,000 रुपए के खिलौनों के 63,000 रुपए के चेक DPRO दबाव बना रही है कि प्रधानों पे चेक काट, भ्रष्टाचार नहीं है ये? क्या ये बताइए, 8,000-8,000 रुपए के इतनी गुणवत्ताहीन खिलौने बच्चों को खरीदे गए हैं और DPRO और CDO कह रहे हैं कि 63,000 का। एक मिनट मैम, मैं एक मिनट और लूंगा, अभी मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। सवाल पूछिए, बातें नहीं कहनी। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं बीजेपी के नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ, योगी जी से पूछना चाहता हूँ। जो अखिलेश जी ने 102 और एम्बुलेंस 108 और 100 नंबर, आज उनके टायर नहीं है, उनको डीजल पैदा नहीं हो पा रहा है, वो मूवमेंट नहीं कर पा रही है, टायर नहीं पैदा हो रहा है। ये क्या व्यवस्था है, ये क्या व्यवस्था है? जवाब दीजिए जल्दी से, बीजेपी के नेता से जवाब लेंगे, सारे सवाल आपके लिए आ रहे हैं। फोन आते ही अगले 10 मिनट में हर जगह एम्बुलेंस पहुंच जाती है और कह रहे टायर ही नहीं है, डीजल के पैसे ही नहीं होते। इंडिविजुअली कोई पर्सनल बात कह रहे हैं, उनको मतलब इससे नहीं है, क्योंकि टोपी लगा के आए हैं, उनकी स्वयं की परेशानी नहीं है, कमी ढूंढने के लिए आए हैं, ऐसा कोई नहीं है। कोई यदि फोन करता है तो इमीडिएट एम्बुलेंस पहुंचती है और हर 10 किलोमीटर में 100 नंबर की पुलिस गाड़ी 24 घंटा खड़ी रहती है। और वो जो वहाँ पर वो जो महिला सशक्तिकरण को लेकर आपको घेर रही थी? नहीं नहीं, महिलाओं के लिए हमारा ही पार्टी ऐसी है जो महिलाओं के लिए अभी लोकसभा में 30% आरक्षण लागू किया है, उसके लिए चुनाव लड़ने के लिए महिला हमारी बहने, हम ही महिलाओं की इज्जत करते हैं, सांतनी इज्जत करते हैं। भाई साहब अभी सवाल पूछकर चलते बने जो कहकर गए, क्या हुआ काले धन का, क्या हुआ 15-15 लाख रुपए खाते में आने का, क्या हुआ हर साल 2 करोड़ रोजगार का? रोजगार 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, 20 करोड़ रोजगार कम से कम बच्चों को दिए जा रहे हैं हर जगह। आप मथुरा में देख लो कितनी इंडस्ट्री लगाई जा रही है, पूरी यूपी में, देश पूरे चाइना से सारी इंडस्ट्रीजियां इंडिया के अंदर आ रही हैं, यूपी पहली पसंद है पूरे इंडस्ट्रीजियों की। और सेकेंडरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं रोजगारी कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार की कोई दिक्कत नहीं है, राम राज्य है, कान्हा की नगरी है, अयोध्या की राह पर चलेगी। आपने देखा होगा मथुरा में आवारा पशुओं का कितना आतंक है, अब बंदरों की कई जो है छतों से गिर के मृत्यु हो चुकी है, बंदरों के खिलाफ कोई भी पकड़ने की कार्रवाई नहीं की गई, यमुना प्रदूषण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आपने देखा किसान आत्महत्या कर रहे हैं और व्यापारी परेशान हैं, और किसी भी तरह की कोई राहत नहीं गई, पूरा का पूरा पैसा अडानी को दे दिया गया। अडानी को पैसा दे दिया गया, किसानों का पैसा? देखिए मैं आपको मथुरा की प्रॉब्लम बताऊं, अडानी अंबानी का तो अलग मैटर है, वो तो सारी दुनिया जानती है। मथुरा टाट प्रोपोजियम की वजह से बहुत बड़ा बॉटल नेक है,
यहाँ पर बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। 80 किलोमीटर तक यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री नहीं लग सकती, इसलिए यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है। यहाँ तक के भट्टे और ये जो छपाई के कारखाने थे ये भी यहाँ से बाहर चले गए। 40,000 आदमी यहाँ से बेरोजगार हो गया। तो यहाँ तो इतनी समस्या है, कुछ जल्दी से जनता जो यहाँ पर खड़ी हुई है, भाई बीजेपी इस बार जीत रही है, जीत की हैट्रिक लगेगी या नहीं, जल्दी से? लगेगी, बिल्कुल लगेगी। ये मथुरा की जनता, इनकी राय में इस बार जीत की हैट्रिक लगने वाली है।